हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस लेसन। सो दिस इज़ आवर AFM मॉड्यूल डी क्विक रिवीजन सेशन। सो दोस्तों, AFM मॉड्यूल डी में जितने भी यूनिट्स हैं सभी को आप अगले 30 से 40 मिनट में क्विकली रिवाइज कर पाएंगे। तो एक एक बातों को ध्यान से समझें और आप दोस्तों इस पर्टिकुलर वीडियो को रिवीजन के रूप में यूज कर सकते हैं। इट विल टेक यू ऑलमोस्ट 20 टू 30 मिनट्स टू रिवाइज द एंटायर सिलेबस। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग यूनिट नंबर 29 से। लेट्स बिगिन विद यूनिट नंबर 29। लेट्स अंडरस्टैंड यूनिट नंबर 29 फर्स्ट। सो सबसे पहले दोस्तों, इनकम टैक्स एक्ट के बारे में बताया जा रहा है। यह एक्ट गवर्न करता है इनकम टैक्स भारत में सभी इंडिविजुअल के लिए और सभी एंटिटीज के लिए जो कि इनकम अर्न कर रहे हैं, जिसके अंदर नॉन रेजिडेंट इंडियन भी आते हैं। ये दोस्तों लेवी प्रोवाइड करता है, एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड करता है, कलेक्शन एंड रिकवरी ऑफ इनकम टैक्स। पैन नंबर दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक यूनिक 10 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक नंबर इशू करके पैन कहते हैं, ताकि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को ट्रैक कर सके, टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर्स को ट्रैक कर सके। TDS दोस्तों टैक्स डिडक्शन एट सोर्स होता है। इसमें दोस्तों किसी भी पर्सन या किसी भी कंपनी जो कि पेमेंट कर रही है एक सर्टेन थ्रेशोल्ड लिमिट से एक्सीड कर रहा है पेमेंट, तो बेसिकली इसमें क्या है कि कोई भी पर्सन या कोई भी कंपनी जो कि पेमेंट कर रही है जो कि सर्टेन थ्रेशोल्ड लिमिट से ज़्यादा हो रहा है, तो वो टैक्स डिडक्ट करेंगे, TDS डिडक्ट करेंगे जो भी रेट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट प्रिस्क्राइब करती है। ये दोस्तों बहुत सारे पेमेंट के लिए अप्लाई होता है, जैसे सैलरी, इंटरेस्ट, कमीशन, ब्रोकरेज, डिविडेंड पेमेंट, प्रोफेशनल फी, रॉयल्टी एक्सेट्रा। दोस्तों TDS का प्रोसेस क्या है? तो जो पर्सन है या जो कंपनी है जो TDS डिडक्ट करेगी, इससे पहले कि पेमेंट करेगी, उसे डिडक्टर कहा जाता है, और जिस पर्सन या कंपनी जो पेमेंट रिसीव करती है उसे डिडक्टी कहा जाता है। डिडक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो TDS डिडक्ट करे इससे पहले कि वो पेमेंट करे और डिपॉजिट करे। दोस्तों TCS क्या होता है? TCS का फुल फॉर्म होता है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, एक तरह का एडवांस टैक्स है जो कि डिडक्टिव पे किया गया। दोस्तों इस प्रकार के इस पर्टिकुलर रिवीजन सेशन में मैं सभी चीज़ आपको टेबलेट फॉर्मेट में समझाऊंगा, ताकि आपको क्विकली रिवाइज कर पाए चीज़ों को, और यदि एग्जाम में इससे रिलेटेड सवाल है तो आप उसका जवाब दे पाएँ। दोस्तों बात करें इनकम टैक्स पेयर की क्लासिफिकेशन की, तो इंडिविजुअल HUF और एसोसिएशन ऑफ पर्सन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल कंपनीज में डिवाइडेड है। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की। TDS क्या है? TDS के बारे में, एक तरह का एडवांस टैक्स है जो कि डिडक्टिव पे करते हैं। 10 क्या होता है? टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर होता है, प्रत्येक डिडक्टर का अपना 10 नंबर होता है। इंडिविजुअल का सेपरेट रूल है TDS डिडक्ट करने का, जब वो रेंट पेमेंट करेंगे या फी प्रोफेशनल को पे करेंगे। दोस्तों TCS क्या है? जो भी सेलर टैक्स कलेक्ट करते हैं बायर से सेल के टाइम में, उसे TCS कहा जाता है। यदि हम सेक्शन नंबर 206C की बात करें, सेक्शन 206C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट स्पेसिफाई करता है कि गुड्स का कैटेगरी क्या होगा और कितना परसेंटेज TCS को कलेक्ट करना है। TCS रिटर्न एंड सर्टिफिकेट की बात करें, तो प्रत्येक टैक्स कलेक्टर जो है क्वार्टरली TCS रिटर्न को सबमिट करेंगे फॉर्म 27EQ में, और एक TCS सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे परचेजर को। दोस्तों TCS में नया सेक्शन क्या है? तो एक नया सेक्शन है 2061H फॉर कलेक्टिंग TCS फ्रॉम बायर मेकिंग पेमेंट ऑफ मोर देन 50 लाख, यानी 50 लाख से ऊपर का पेमेंट है, तो एक नया सेक्शन जोड़ा गया है 2061H फॉर मोर देन 50 लाख टुवर्ड सेल कंसिडरेशन इन द फाइनेंशियल ईयर। और एक नया सेक्शन है दोस्तों सेक्शन 206CCA फॉर कलेक्टिंग अ हायर रेट ऑफ TCS फॉर नॉन फिलर ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न इन द लास्ट 2 ईयर। IGST एक्ट एंड GST रजिस्ट्रेशन की बात करें, तो जो डीलर्स है, जो ट्रेडर्स है जो कि गुड्स को ऑनलाइन बेच रहे हैं, वो 1% टैक्स रेट से पे करेंगे अंडर IGST एक्ट, एंड जो भी डीलर्स ट्रेडर्स हैं उनको रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा GST कंपलसरली। दोस्तों कौन कौन सा इनकम इंक्लूडेड नहीं है इनकम टोटल इनकम में? तो इनकम जो भी क्लॉज सेक्शन 10 के अंदर गिरता है IT एक्ट का, उसे इंक्लूड नहीं किया गया टोटल इनकम कैलकुलेशन में। डिडक्शन जो है अवेलेबल है टैक्सेबल इनकम को अराइव करने के लिए SSC का, ताकि आप कैलकुलेट कर सकें इनकम टैक्स लायबिलिटी अंडर चैप्टर 6 है। दोस्तों नया टैक्स रिजीम क्या है? सेक्शन 115BSE ऑफ IT एक्ट ने नया टैक्स रिजीम इंट्रोड्यूस किया 2020 में। यहाँ पे इंडिविजुअल चूज कर सकते हैं एक्जिस्टिंग टैक्स रेट में और न्यू कंसेशनल टैक्स रेट बाय फॉरगोइंग प्रिस्क्राइब एग्जम्पशन और डिडक्शन। दोस्तों फिलिंग IT रिटर्न्स एप्लीकेबल ITR फॉर्म असेसमेंट रिफंड रिकवरी। तो दोस्तों उसके बाद क्या बताया जा रहा है कि परमानेंट एंड टाइमिंग डिफरेंस इन टैक्स अकाउंटिंग। जो परमानेंट डिफरेंस है वो 1 पीरियड में ऑरिजिनेट होता है और वो रिवर्स नहीं होता है सब्सिक्वेंटली। जो टाइमिंग डिफरेंस है वो 1 पीरियड में ऑरिजिनेट होगा और वो एलिजिबल होगा रिवर्सल के लिए सब्सिक्वेंट पीरियड में। सो फ्रेंड्स, बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, दोस्तों यदि आपको अपनी JIB परीक्षा के लिए क्विक रिवीजन सेशन की रिक्वायरमेंट PDF की रिक्वायरमेंट है, यदि आपको दोस्तों MCQ चाहिए, हमारे पास क्वेश्चन बैंक है MCQs का, लगभग दोस्तों 3000 से 4000 MCQs हैं एक सब्जेक्ट के, प्रत्येक यूनिट के दोस्तों 100 से 150 क्वेश्चन हैं। यदि आपको दोस्तों कंसाइज नोट्स की रिक्वायरमेंट है, जिसमें दोस्तों सारा चीज़ पॉइंट वाइज समझाया गया हो, पॉइंट वाइज लिखा गया हो, ताकि आप चीज़ों को क्विकली रिवाइज कर पाएँ, तो हमारे पेड कोर्स के मेंबर बन सकते हैं आप। डिटेल जानकारी आप इस स्लाइड पर देख सकते हैं। दोस्तों यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ व्हाट्सएप में नंबर सुन ऑन द स्क्रीन। नाउ लेट्स कंटिन्यू अवर सेशन। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट में क्या बताया जा रहा है ये डिस्कस करते हैं। लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट पॉइंट। बताया जा रहा है दोस्तों कि हमारा डिफर्ड टैक्स क्या होता है, इसे आप डिफरेंस शो कर सकते हैं करंट टैक्स और फ्यूचर टैक्स में। रिजल्ट जो होता है वो इंक्लूजन होता है डिफर्ड टैक्स DTA का या डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी का इन द बैलेंस शीट। तो डिफर्ड टैक्स का रिजल्ट क्या होता है कि या तो आप DTA या DTL को अपने बैलेंस शीट में इंक्लूड करते हैं। INDAS क्या है दोस्तों? डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी जो है उसे करंट लायबिलिटी या डिफर्ड टैक्स एसेट में, देखिए क्या कर रहा है कि डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी को आप करंट लायबिलिटी में क्लासिफाई नहीं करेंगे और डिफर्ड टैक्स एसेट
टू करंट एसेट में क्लासिफाई नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए कि एक कंपनी है, वो मशीनरी खरीदी 100 लाख का और क्लेम कर दी सारा अमाउंट टैक्स डिडक्शन इन द फर्स्ट ईयर, लेकिन कंपनी ने मशीनरी को डेप्रिसिएट किया ओवर 10 ईयर यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड, इस कारण से एक अंडर स्टेटमेंट हो गया टैक्स पेबल बाय 27 लाख। तो कंपनी क्या की, एक डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी ऐड कर दी 27 लाख का बैलेंस आउट ऑफ द ओवर स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉफिट। सेकेंड ईयर दोस्तों करंट टैक्स लायबिलिटी हायर होगा और वो सब्ट्रैक्ट करेगी 3 लाख फ्रॉम द डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी ऑफ द 27 लाख। जो टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया अकाउंटिंग पर्पज के लिए और जो अमाउंट अलाउ किया टैक्स डिडक्शन के लिए वो सेम होगा, जिस कारण से डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी होगा। तो फिर बताया जा रहा है दोस्तों कि कंपनी मान लीजिए 100 लाख एक्सपेंड खर्च करती है किसी एक्सपेंस पे जिसको डिडक्ट किया जा सकता है टैक्स ओवर 10 ईयर, तो कंपनी रिकॉर्ड करती है इंटायर एक्सपेंस को 100 लाख का अपने बुक में इन द फर्स्ट ईयर, जिससे टाइमिंग डिफरेंस होता है टैक्स रिकॉर्ड में और अकाउंटिंग रिकॉर्ड में। दोस्तों ओवर स्टेटिंग में क्या है कि मान लीजिए कि कॉर्पोरेट टैक्स है 30% का, जिस कारण से आपने क्या किया टैक्स लायबिलिटी को ओवर स्टेट कर दिया पहले साल 27 लाख से, ठीक है। फिर दोस्तों क्या बताया जा रहा है कि यूनिट 30 में बात करते हैं, यूनिट 30 में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में डिफरेंस क्या है। डायरेक्ट टैक्स दोस्तों डायरेक्टली इम्पोज होता है टैक्स पेयर पे, इनडायरेक्ट टैक्स गुड्स एंड सर्विस पे इम्पोज होता है। डायरेक्ट टैक्स में दोस्तों ट्रांसफरेबल नहीं है, नहीं शिफ्ट कर सकते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स आप शिफ्ट कर सकते हैं दूसरे को। दोस्तों डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल दे रखा है इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, वेल्थ टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, वैट, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, जीएसटी। पेमेंट जो होता है डायरेक्ट टैक्स का वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे किया जाता है टैक्स पेयर के द्वारा। इनडायरेक्ट टैक्स में दोस्तों इंटरमीडिएट के द्वारा कलेक्ट किया जाता है एंड कंज्यूमर के द्वारा। बर्डन दोस्तों डायरेक्ट टैक्स में है कि आप दूसरे को शिफ्ट नहीं कर सकते, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में दोस्तों बर्डन दूसरे को शिफ्ट कर सकते हैं। और दोस्तों डायरेक्ट टैक्स में इवेजन का प्रोबेबिलिटी हायर होता है, इनडायरेक्ट टैक्स में इवेजन का प्रोबेबिलिटी लोअर होता है। दोस्तों बताया जा रहा है कि जो जीएसटी है वो इनडायरेक्ट टैक्स है, जो कि रिप्लेस कर गया बहुत सारे प्रीवियस इनडायरेक्ट टैक्स को, सर्विस टैक्स, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी एंड वैट। फिर क्या बताया जा रहा है दोस्तों, जीएसटी कब लाया गया, जुलाई 2007 में। जीएसटी काउंसिल गवर्निंग बॉडी है। इनपुट टैक्स क्रेडिट सेट ऑफ किया जा सकता है आउटपुट टैक्स के अगेंस्ट। लायबिलिटी टू पे जीएसटी अराइज एट द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन एंड टैक्स पेमेंट इज ₹20 लाख। सो प्रत्येक पर्सन जो कि जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड होंगे वो रिटर्न फाइल करेंगे, या तो मंथली या क्वार्टरली। तो लेट भी होगा वो एप्लीकेबल होगा यदि आप रिटर्न नहीं फाइल करते हैं या टैक्स पेमेंट को डिले करते हैं। जीएसटी चार तरह के होते हैं, एसजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी, यूजीएसटी। देखिए क्या बताया जा रहा है दोस्तों, किसी भी स्टेट के अंदर जो ट्रांजेक्शन होते हैं उसे सीजीएसटी या एसजीएसटी के रूप में लेवी किया जाता है। जो इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन होता है और इंपोर्टेड गुड का सर्विसेज का ट्रांजेक्शन होता है वो आईजीएसटी से लेवी किया जाता है। यूजीएसटी एप्लीकेबल होता है यूनियन टेरिटरी में। दोस्तों जो टैक्स जो है एक्री होता है ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द प्लेस ऑफ कंजप्शन और सप्लाई। बताया जाए दोस्तों कुछ केसेस में जो रेसिपिएंट है वो लायबल होते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में। जो ई कॉमर्स ऑपरेटर होते हैं वो लायबल होते हैं इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस में। चलिए उसके बाद दोस्तों बताया जा रहा है इंटरेस्ट एंड लेट फी, जो एप्लीकेबल होता है 18% पर एनम यदि जीएसटी रिटर्न को टाइमली फाइल नहीं किया गया। जीएसटी का एडवांटेज है कि कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ टैक्स स्ट्रक्चर को कम किया, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाया, टैक्स बेस को ब्रॉडन किया, कंप्लायंस बेटर होता है, ऑनलाइन टैक्स पेयर सर्विस का अवेलेबिलिटी होता है दोस्तों। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट में बताया जा रहा है आपको कि हमारा बैंक की क्या इंपैक्ट पड़ा। सर्विस सेक्टर जैसे बैंक के इंपैक्ट ज़्यादा हुए क्योंकि वॉल्यूम ऑपरेशन का नेचर के कारण। जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन होता है बैंक के लिए, बैंक जो उसका पैन इंडिया ऑपरेशन है उन्हें सेपरेट जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है प्रत्येक स्टेट के जहाँ पे ऑपरेट होंगे। आईटीसी फॉर बैंक एंड एनबीएफसी एंड जीएसटी इज लिवरेज एंड डी लिवरेज, जिस कारण से दोस्तों रिड्यूस क्रेडिट हो गया 50% का कैपिटल गुड में, जिससे कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ गया। दोस्तों असेसमेंट और एजुकेशन की बात करें तो मल्टीपल स्टेट रेगुलेटर्स के अंदर जो कि इस कारण से प्रोलॉन्ग एंड कॉन्फ्लिक्टिंग ओपिनियन आता है। इशू विद रेवेन्यू रिकॉग्निशन, डिफिकल्टी इन आइडेंटिफाइंग लोकेशन ऑफ सर्विस रिसिपिएंट, इंपैक्ट ऑन कंपनीज ऑपरेटिंग फ्रॉम रिमोट लोकेशन, इंक्लूजन ऑफ एक्शनेबल क्लेम एंड सप्लाई ऑफ गुड्स, इंक्रीजिंग जीएसटी ऑन बैंकिंग ट्रांजेक्शन फी। जीएसटी का इंट्रोडक्शन किया गया ताकि हार्मोनाइज कर सके, स्ट्रीमलाइन कर सके टैक्सेशन इन इंडिया। जो ट्रांजेक्शन होते हैं सिंगल स्टेट का वो लेवी किया जाता है सीजीएसटी और एसजीएसटी के साथ, जब आईजीएसटी लेवी किया जाता है इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन में जो और इंपोर्ट ऑफ गुड्स सर्विसेज। दोस्तों जो भी सप्लायर है 20 लाख से थ्रेशोल्ड के बिलो उन्हें किसी टैक्स को पे नहीं करना, नहीं रजिस्टर कराना है। तो यूनिट 31 दोस्तों बताया जा रहा है कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में। फाइनेंशियल अकाउंटिंग एनफ नहीं है कि आप इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग कर सके आज के कंपनी बिजनेस में। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग लिमिटेड है कि आपको प्रोवाइड करता है इन्फॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग। कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग को डेवलप किया गया था कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिमिटेशन के कारण। कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर आप कॉस्ट को डिटरमाइन करते हैं जो कि प्रोडक्ट और सर्विस को प्रोड्यूस करने से रिलेटेड होता है। कॉस्ट के अंदर मटेरियल, लेबर, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, डेप्रिसिएशन, अदर फैक्टर्स हो सकते हैं। कॉस्टिंग दोस्तों सिंपल है ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो कि एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड होता है मल्टीपल प्रोडक्ट वाले ऑर्गेनाइजेशन के लिए। प्रॉपर एलोकेशन ऑफ कॉस्ट जरूरी है प्रत्येक प्रोडक्ट ग्रुप के लिए। कॉस्ट अकाउंटिंग आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग के लिए। कॉस्टिंग के अंदर आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, एलोकेटिंग, कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन। दोस्तों जो हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग का इवैल्यूएशन है वो ड्राइव किया गया ग्रोइंग कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मार्केट बिजनेस।
फिर दोस्तों कॉस्ट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट अकाउंटिंग जरूरी है ताकि आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिल सके मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग के लिए। कॉस्ट सेंटर दोस्तों डिपार्टमेंट होता है, यूनिट होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जहाँ पे कॉस्ट इनकर होता है। कॉस्ट सेंटर को प्रोडक्टिव एंड प्रोडक्टिव मिस कॉस्ट सेंटर में क्लासिफाई कर सकते हैं उनके कॉन्ट्रीब्यूशन टू द प्रोडक्शन प्रोसेस में। कॉस्ट यूनिट का मतलब यूनिट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस यूज फॉर कॉस्टिंग पर्पज। कॉमनली कॉस्ट यूनिट होता है टन, किलोग्राम, मीटर, किलोमीटर, लीटर, गैलन एंड बैरल। दोस्तों कॉस्ट के एलिमेंट की बात करें तो एलिमेंट ऑफ कॉस्ट को क्लासिफाई कर सकते हैं नेचर के बेसिस पे। मटेरियल, लेबर, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, एप्रिसिएशन। मटेरियल को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट, लेबर कॉस्ट को डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट, एक्सपेंसेस को डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट। दोस्तों कॉस्ट सेंटर क्या होता है? कॉस्ट सेंटर किसी स्मॉलेस्ट ऑर्गेनाइजेशन सब यूनिट होते हैं जिसमें सेपरेट कॉस्ट एलोकेशन किया जा सकता है। कॉस्ट सेंटर प्रोडक्शन और सर्विस फोकेशन हो सकता है, फंक्शन हो सकता है, एक्टिविटी, आइटम ऑफ इक्विपमेंट या ग्रुप ऑफ पर्सन। प्रत्येक कॉस्ट सेंटर के अंदर स्पेसिफिक प्रोडक्शन सेंटर होंगे, डिपार्टमेंट होंगे, सब डिपार्टमेंट होंगे, टाइप ऑफ मशीनरी होंगे या ग्रुप ऑफ पर्सन होंगे। फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट बताया जा रहा है आपको मेथड ऑफ कॉस्टिंग के बारे में, कौन कौन से मेथड होते हैं कॉस्ट एनालिसिस के, आइए डिस्कस करते हैं। जॉब कॉस्टिंग तब यूज होता है जब प्रोडक्ट सर्विस को प्रोड्यूस किया जा रहा है बैचेस में या कस्टमाइज किया जा रहा है इंडिविजुअल कस्टमर के लिए। बैच कॉस्टिंग का यूज तब होता है जब स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया जा रहा है एक समय पे। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का यूज तब होता है जब लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट होता है जिसको कस्टमाइज किया जाएगा इंडिविजुअल क्लाइंट के लिए। प्रोसेस कॉस्टिंग का यूज तब होता है जब प्रोडक्ट जो है क्लाइंट टेस्टिंग स्टेज और प्रोसेसिंग से पास होता है। और दोस्तों प्रत्येक स्टेज के कॉस्ट को आपको डिटरमाइन करना है। यूनिट या सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग का यूज तब होता है जब कंपनी जो है सिंगल टाइप ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है और जानना चाह रही है कि पर यूनिट कॉस्ट, पर यूनिट जो प्रोड्यूस किया गया उसका कॉस्ट कितना है। सर्विस कॉस्टिंग का यूज तब किया जाता है जब कोई कंपनी प्रोवाइड करती है सर्विस इंस्टीट्यूट ऑफ गुड्स और जाना चाहती है कि कॉस्ट पर यूनिट ऑफ सर्विस प्रोवाइडर कितना है। मल्टीपल या कंपोजिट कॉस्टिंग का यूज तब होता है जब कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट होता है जहाँ पे कोई सिंगल सिस्टम ऑफ कॉस्टिंग फिजिबल नहीं हो। डिपार्टमेंटल कॉस्टिंग का यूज तब होता है जब कंपनी डिटरमाइन करना चाह रही है कि प्रत्येक डिपार्टमेंट में कितना कॉस्ट खर्चा हुआ। हिस्टोरिकल कॉस्टिंग कॉस्ट डिटरमाइन किया जाता है इससे पहले आफ्टर दे हैव इनकर्ड, ये कॉस्ट कंट्रोल के लिए यूजफुल नहीं है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एक डेटाबेस होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट का, ये प्रिपेयर किया जाता है अलग अलग ऑपरेशन के लिए, कंपोनेंट्स के लिए, सर्विस के लिए। मार्जिनल कॉस्टिंग दोस्तों सिस्टम होता है कॉस्टिंग डिफरेंशिएट बिटवीन फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट, ये लिंक करता है प्रॉफिट को चेंज इन वॉल्यूम से। यूनिफॉर्म कॉस्टिंग स्टैंडर्डाइज करता है प्रिंसिपल्स को एंड मेथड्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। दोस्तों बताया जा रहा डायरेक्ट कॉस्टिंग में क्या होता है, केवल डायरेक्ट कॉस्ट रिलेटेड टू ऑपरेशन प्रोसेस और प्रोडक्ट आर एलोकेटेड। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्या होता है कि जितने भी कॉस्ट है चाहे डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो जो कि ऑपरेशन से रिलेटेड है, प्रोसेस से रिलेटेड है, प्रोडक्ट से रिलेटेड है, सभी को एलोकेट किया जाता है। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में क्या होता है, टेक्निक होता है कि आप एप्रोप्रिएटली असाइन करें एक्टिविटीज़ के कॉस्ट को प्रोडक्ट के लिए और सर्विसेज के लिए। ओवरहेड कॉस्ट ऑफ कंपनी को आइडेंटिफाई किया जाता है प्रत्येक कॉस्ट ड्राइविंग एक्टिविटीज से, इससे इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग ले सकते हैं जैसे प्राइसिंग क्या और आउटसोर्सिंग क्या है। दोस्तों फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में डिफरेंस देखिए। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पर्पज है कि स्टेक होल्डर को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। कॉस्ट अकाउंटिंग जो है आपको यूनिट कॉस्ट पता लगाने में हेल्प करता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैनेजमेंट को हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में। दोस्तों फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है मैंडेटरी हो सकता है एज पर स्टेटरी रिक्वायरमेंट। कॉस्ट अकाउंटिंग दोस्तों वॉलंटरी होता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग वॉलंटरी होता है। दोस्तों फाइनेंशियल अकाउंटिंग का रिपोर्टिंग क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअली होगा। कॉस्ट अकाउंटिंग डेली बेसिस पे प्रिपेयर होता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग वेरीज करता है। स्कोप की बात करें तो कॉस्ट अकाउंटिंग दोस्तों डील करता है एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन से, सॉरी फाइनेंशियल अकाउंटिंग डील करता है एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन से, कॉस्ट अकाउंटिंग डील करता है इंटरनल ट्रांजेक्शन से। और हमारे मैनेजमेंट अकाउंटिंग का वाइडर स्कोप होता है। फिर दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, कि इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है स्टेक होल्डर को। फिर यदि हम बात करें अपनी कॉस्ट अकाउंटिंग का, इसका ऑब्जेक्टिव है कि मैनेजमेंट को हेल्प करना डिसीजन मेकिंग में। और दोस्तों यदि हम बात करें मैनेजमेंट अकाउंटिंग का तो इसका ऑब्जेक्टिव है कि मैनेजमेंट को हेल्प करना अपने ड्यूटीज़ को एफिशिएंटली कैरी आउट करने में। डेटा सोर्स यदि हम बात करें फाइनेंशियल अकाउंटिंग की तो सेम एज फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फिर दोस्तों टूल एंड टेक्निक की बात करें तो टूल एंड टेक्निक दोस्तों हमारा जो कॉस्ट अकाउंटिंग होता है इसमें मार्जिनल कॉस्टिंग, ब्रेक इवन एनालिसिस, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ये सभी टूल्स एंड टेक्निक्स हैं। यदि हम बात करें दोस्तों मैनेजमेंट अकाउंटिंग में टूल्स एंड टेक्निक है तो फाइनेंशियल प्लानिंग, सेलेक्टिंग डिसीजन मेकिंग टूल एंड टेक्निक। यूनिट 32 में दोस्तों बताया जा रहा है कॉस्टिंग मेथड, यूनिट और सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग। तो आपको क्या करना है दोस्तों इसमें कि आपको टोटल आउटपुट का कॉस्ट पता करना है और तब फाइंड करना है कि एक यूनिट का कॉस्ट कितना होगा। सिंपल सी बात है, जैसे मान लीजिए कि आप इसका यूज़ कहाँ करते हैं, कि जैसे मान लीजिए कि फैक्ट्री में असेंबली डिपार्टमेंट है क्योंकि मशीन आर्टिकल, मैकेनिकल आर्टिकल बना रहा है, ब्रिक मेकिंग, माइनिंग, सुगर, सीमेंट एक्सेट्रा। जॉब कॉस्टिंग दोस्तों आपको पीरियडिकल स्टेटमेंट रिकॉर्ड डिटेल प्रोवाइड करता है कॉस्ट सेंटर का, इसमें मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ये सभी आते हैं। एग्जांपल है दोस्तों इसका इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, फर्नीचर मेकिंग, रिपेयर शॉप। जॉब कॉस्टिंग दोस्तों एक स्पेसिफिक जॉब का कॉस्टिंग होता है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट का कॉस्टिंग होता है। जॉब कॉस्टिंग रिकॉर्ड करता है जॉब के कॉस्ट को। एस्टिमेटिंग कॉस्ट कैन बी डिफिकल्ट, वैल्यूइंग लेफ्ट ओवर मटेरियल में भी डिफिकल्ट, यूजेस जॉब कार्ड एंड कॉस्ट जॉब सीट। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग दोस्तों एलोकेट करता है डायरेक्ट कॉस्ट और ओवरहेड कॉस्ट टू कॉन्ट्रैक्ट। वर्क इन प्रोग्रेस इज इंपॉर्टेंट, एक सेपरेट अकाउंट को मेंटेन करता है प्रत्येक कॉस्ट के लिए। कॉन्ट्रैक्ट लार्जर होता है और लॉन्गर समय लेता है। फिर दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट में क्या बताया जा रहा है डिस्कस करते हैं।
इधर नेक्स्ट पॉइंट व्हाट हैव बीन एक्सप्लेन बताया जा रहा है दोस्तों कि पर्पस क्या है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा डिसीजन मेकिंग के रिगार्डिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग फोकस करता है एलोकेशन एंड कंट्रोल ऑफ कॉस्ट। फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपको एक ओवरऑल पिक्चर प्रोवाइड करता है। टूल्स एंड टेक्निक की बात करें मैनेजमेंट अकाउंटिंग की तो आपको बताता है कि बेस्ट अल्टरनेटिव और रिलेवेंट टूल क्या है मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिपेंडिंग ऑन द किस तरह का डिसीजन लेना है। कॉस्ट अकाउंटिंग दोस्तों टेक्निक को यूज करता है जैसे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मार्जिनल कॉस्टिंग बजटरी कंट्रोल। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग दोस्तों GAAP यानी जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो करता है और इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड को यूज करता है IFRS को। और टेक्निक को यूज करता है जैसे डबल एंट्री बुक कीपिंग ट्रायल बैलेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। प्लानिंग की बात करें तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज प्लानिंग आता है। कॉस्ट अकाउंटिंग दोस्तों मेनली कंसर्न है शॉर्ट रेंज प्लानिंग के लिए और फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्लानिंग पे फोकस होता नहीं है। रिपोर्टिंग की बात करें तो दोस्तों हमारा जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है तो वो हेल्प करता है मैनेजमेंट प्लान को कम्युनिकेट करने में अलग अलग लेवल में ऑर्गेनाइजेशन में। और एक आपको सिस्टम ऑफ फीडबैक रिपोर्ट प्रोवाइड करता है। यदि हम बात करें दोस्तों कॉस्ट अकाउंटिंग की ये फोकस करता है अकाउंटिंग एंड एलोकेशन ऑफ कॉस्ट। और लास्ट में फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करें तो ये प्रोवाइड करता है एक ओवरव्यू ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। स्कोप की बात करें दोस्तों तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प करता है कम्युनिकेटिंग मैनेजमेंट प्लान्स एंड टू द वेरियस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग है ये रिपोर्ट करता है ये फोकस करता है अकाउंटिंग पे और कॉस्ट एलोकेशन पे। स्कोप की बात करें मैनेजमेंट अकाउंटिंग की तो स्कोप है दोस्तों आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग टैक्स अकाउंटिंग कैपिटल बजटिंग। यदि कॉस्ट अकाउंटिंग का स्कोप की बात करें तो अकाउंटिंग एंड एलोकेशन ऑफ कॉस्ट। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के स्कोप की बात करें तो ओवरव्यू प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट प्रोसेस पेमेंट इसकी बात करते हैं। सो फ्रेंड्स कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट दोस्तों क्लासिफाई किया जाता है फिक्स प्राइस में कॉस्ट प्लस में उसके बाद टाइम एंड मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन प्राइस एग्रीमेंट। प्रोग्रेस पेमेंट की बात करें तो पीरियोडिक पेमेंट जो है कस्टमर करते हैं कॉन्ट्रैक्टर को बेस्ड ऑन कॉस्ट इनकर्ड बाय द कॉन्ट्रैक्टर इन एग्जीक्यूटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट। सर्टिफिकेशन दोस्तों कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं जैसे आर्किटेक्ट इंजीनियर्स या सर्वेयर वो सर्टिफाई करते हैं वर्क कंप्लीशन के स्टेजेस को। रिटेंशन मनी दोस्तों बेसिकली एक सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है जो कि कस्टमर अपने पास रखता है एज अ पार्ट ऑफ प्रोग्रेस पेमेंट ताकि इंश्योर कर सके कि वर्क जो है एज पर एग्रीड प्लान के द्वारा कैरी किया जाए। एस्केलेशन क्लॉज दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट में इंक्लूड किया जाता है ताकि आप सेफगार्ड कर सके कॉन्ट्रैक्टर को अगेंस्ट एनी लाइकली चेंज इन द प्राइस ऑफ द मटेरियल लेबर। दोस्तों बात करें इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉफिट की तो ये आप हर एक अकाउंटिंग पीरियड के लिए डिटरमाइन करते हैं जिसके लिए कॉन्ट्रैक्ट जो है अंडर एग्जीक्यूशन है। प्रॉफिट का कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा तो प्रॉफिट निकालने के लिए कॉस्ट ऑफ वर्क कंप्लीटेड डिवाइडेड बाय टोटल एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इनटू एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिट। इस प्रकार से आप प्रॉफिट निकाल सकते हैं। सो आई हैव एक्सप्लेन ऑल दिस थिंग इन आवर वीडियोज लेक्चर ऑल्सो हाउ टू यूज दिस फॉर्मूला टू गेट योर क्वेश्चन सॉल्व। सो इफ यू वांट सब्सक्राइब अवर वीडियोज काइंडली व्हाट्सएप योर नंबर शोन ऑन द स्क्रीन। नाउ दोस्तों बताया जा रहा है वर्क इन प्रोग्रेस का कॉस्टिंग कैसे होता है। इसके अंदर दोस्तों मटेरियल लेबर कॉस्ट प्लांट यूटिलाइजेशन कॉस्ट अदर कॉस्ट आता है जो कि एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है। बात करें दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट को मेंटेन करना तो एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट को मेंटेन किया जाएगा प्रत्येक कॉन्ट्रैक्ट का ताकि आप कैप्चर कर सके जितने भी कॉस्ट उस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है। फिर दोस्तों बताया जा रहा है कि इंडस्ट्रीज कैसे हैं ऑयल रिफाइनिंग फूड प्रोसेसिंग ब्रूइंग केमिकल प्रोसेसिंग। फीचर क्या है दोस्तों स्टैंडर्ड एंड कंटिन्यूस प्रोडक्शन प्रोसेस इक्विवेलेंट यूनिट नॉर्मल वेस्टेज इंक्लूडेड। एप्लीकेशन क्या यूज फॉर आइडेंटिकल प्रोडक्ट एसेसिंग डिपार्टमेंट कॉस्ट कंट्रीब्यूशन आइडेंटिफाइंग कॉस्ट एस्केलेशन डिटरमाइनिंग कॉस्ट ऑफ एक्स्ट्रा फंड। प्रोसेस कॉस्टिंग दोस्तों प्रोसेस इंडस्ट्री में यूज किया जाता है जहाँ पे प्रोडक्ट जो है बल्क में प्रोड्यूस किया जाता है थ्रू अ सीरीज ऑफ प्रोसेसेस। नॉर्मल लॉस दोस्तों नॉर्मल लॉस हो भी सकता है या नहीं भी जनरेट कर सकता है स्क्रैप जनरेशन में। यदि स्क्रैप जनरेट हुआ तो इसका सेल्स वैल्यू को क्रेडिट किया जाता है प्रोसेस कॉस्ट अकाउंट में। दोस्तों एक यूनिट का जो कॉस्ट है उसको निकालने का तरीका होता है टोटल कॉस्ट माइनस सेल वैल्यू ऑफ स्क्रैप डिवाइडेड बाय इनपुट यूनिट माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट। एंड अब नॉर्मल लॉस निकालने के लिए टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस अपॉन इनपुट यूनिट माइनस नॉर्मल यूनिट इनटू यूनिट ऑफ एबनॉर्मल कॉस्ट। दोस्तों हाउ टू यूज दिस टू फॉर्मूला आई हैव एक्सप्लेन इन आवर वीडियो लेक्चर। दोस्तों एबनॉर्मल कॉस्ट में कैलकुलेट किया था नॉर्मल लॉस माइनस एक्चुअल लॉस में। वर्किंग प्रोग्रेस दोस्तों क्या होता है बेसिकली इनकम्प्लीट प्रोडक्शन यूनिट अलग अलग स्टेजेस ऑफ कंप्लीशन में होते हैं उन्हें हम लोग वर्किंग प्रोग्रेस कहते हैं। ये यहाँ पे इक्विवेलेंट यूनिट कॉन्सेप्ट को यूज किया जाता है प्रत्येक यूनिट को कॉस्ट असाइन करने के लिए। यदि हम बात करें इंटर ऑफिस प्रॉफिट की इसको यूज किया जाता है प्रोसेस इंडस्ट्री में जहाँ पे मल्टीपल प्रोसेसेस को एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं। कॉस्ट और नोशनल प्रॉफिट प्रत्येक प्रोसेसिंग स्टेज हेल्प कर सकते हैं डिसीजन बनाने में रिगार्डिंग इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट। दोस्तों जॉइंट प्रोडक्ट दोस्तों क्या होता है कि जॉइंट प्रोडक्ट एक प्रोडक्ट होता है सिग्निफिकेंट प्रपोर्शन का और वैल्यू का जिसको साइमल्टेनियसली प्रोड्यूस कर रहे हैं। बाय प्रोडक्ट दोस्तों वैसा प्रोडक्ट होता है इसका लोअर क्वांटिटी होता है सेल्स वैल्यू होता है एज कम्पेयर टू द मेन प्रोडक्ट। जॉइंट प्रोडक्ट को आइडेंटिफाइबल होगा आफ्टर स्टेज ऑफ कॉमन रॉ मटेरियल प्रोसेसिंग कॉल द स्प्लिट प्रोसेस। अब दोस्तों हम लोग यूनिट नंबर 33 को क्विकली डिवाइड करते हैं। सो फ्रेंड्स नाउ लेट्स टॉक अबाउट अकाउंटिंग टाइप्स।
अकाउंटिंग टाइप दोस्तों फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है जो कि आपको ओवरऑल पिक्चर प्रोवाइड करता है फाइनेंस ऑपरेशन और इसके पोजीशन का। दोस्तों इसका प्लानिंग टाइम फ्रेम हिस्टोरिकल होता है, इसमें आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बैलेंस शीट इनकम स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। इसमें दोस्तों एफिशिएंट एक्विजिशन और डिप्लॉयमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्स का यूज होता है। कॉस्ट अकाउंटिंग दोस्तों अकाउंटिंग एंड एलोकेशन ऑफ कॉस्ट से रिलेटेड है, इसका प्लानिंग टाइम फ्रेम शॉर्ट टर्म के लिए होता है। इसमें टूल्स और टेक्निक में आप कॉस्टिंग मेथड, कॉस्ट वॉल्यूम, प्रॉफिट एनालिसिस इन सभी को यूज करते हैं। दोस्तों ये एडिशनल डेटा होता है इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट अकाउंटिंग दोस्तों ये इंपैक्ट करता है, इंपैक्ट एंड इफेक्ट ऑफ कॉस्ट बताता है आपको। इसका प्लानिंग टाइम फ्रेम शॉर्ट और लॉन्ग रेंज का होता है, इसमें रेशियो एनालिसिस, कैश एंड फंड एंड फ्लो एनालिसिस को यूज करते हैं। दोस्तों स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एक टेक्निक है जिसका द्वारा आप एस्टिमेट कर सकते हैं कि एक्सपेक्टेड कॉस्ट क्या होगा मार्केट कंडीशन के बेसिस पे। दोस्तों ये स्टैंडर्ड कॉस्ट है, ये एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए वैलिड होता है, इसमें अपडेशन की रिक्वायरमेंट होती है इन्फ्लेशन या दूसरे फैक्टर के कारण। जो एक्चुअल कॉस्ट होगा वो स्टैंडर्ड कॉस्ट से डिफर होगा और जो डिफरेंस होता है उसे हम लोग वेरियंस कहते हैं। दोस्तों स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का एडवांटेज क्या है, ये सिंपल टेक्निक है, ये इनएफिशिएंसीज को आइडेंटिफाई करता है, वेस्टेज को आइडेंटिफाई करता है। यहाँ पे दोस्तों अथॉरिटी का डेलीगेशन आसानी से होता है, ये मोटिवेट करता है ऑपरेटिंग स्टाफ को भी कॉम्पिटिटिव रहे, एफिशिएंट रहे। एप्लीकेशन क्या है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का, ये प्रोडक्शन प्लान करने में, वेरियंस मेजर करने में, इनएफिशिएंसीज को आइडेंटिफाई करने में, कॉस्ट को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। दूसरी बात दोस्तों ये आपको ये कॉस्ट सेंटर का परफॉर्मेंस को मेजर करता है, मोटिवेट करता है वर्कफोर्स को और इन्वेंट्री में यूजफुल होता है। यदि स्टैंडर्ड्स की टाइप की बात करें, एक होता है बेसिक स्टैंडर्ड जो कि लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए सेटअप होता है और दोस्तों यूजफुल नहीं होगा यदि प्रोडक्शन मेथड में कुछ चेंज आ गया, प्राइस लेवल में चेंज आ गया, दूसरे फैक्टर में कुछ चेंज आ गया। एक होता है हमारा आइडियल स्टैंडर्ड, आइडियल स्टैंडर्ड दोस्तों परफेक्ट परफॉर्मेंस को रिप्रेजेंट करता है लेकिन रियलिस्टिक नहीं होगा और वो नेगेटिवली इंपैक्ट कर सकता है वर्कर के मोटिवेशन को। दोस्तों तीसरा तरह का स्टैंडर्ड होता है करंटली अटेनेबल स्टैंडर्ड, इसे आप एडजस्ट कर सकते हैं करंट कंडीशन से। इसमें दोस्तों आइडियल टाइम, वेस्ट, दूसरे फैक्टर को ध्यान में रखते हैं, ये ज़्यादा रियलिस्टिक है ताकि अचीव कर सके और वाइडली यूज किया जाता है इंडस्ट्री में। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम की कंपोनेंट की बात करें तो पहला होता है डिसीजन स्टैंडर्ड कॉस्ट, ये डिटरमाइन करता है मटेरियल, लेबर और ओवरहेड के स्टैंडर्ड कॉस्ट को। फिर दूसरा कंपोनेंट है प्रोडक्ट प्राइसिंग एंड बजटिंग, इसमें दोस्तों आप प्रोडक्ट प्राइसिंग पे डिसाइड करते हैं और फिर सेल्स एंड प्रॉफिट बजट को प्रिपेयर करते हैं। तीसरा है दोस्तों एक्चुअल कॉस्ट को रिकॉर्ड करना, यानी आप एक्चुअल कॉस्ट और प्रॉफिट को रिकॉर्ड करते हैं। चौथा है दोस्तों आप कॉस्ट कंपोनेंट पे वेरियंस को डिटरमाइन करते हैं। पांचवा है दोस्तों आप वेरियंस को एनालाइज करते हैं और उनके काउजेस को आइडेंटिफाई करते हैं। और दोस्तों नेक्स्ट स्टेप है कि आप करेक्टिव एक्शन लेते हैं वैसे इस एरिया में जहाँ जहाँ वेरियंस प्रेजेंट है। फिर दोस्तों क्या बताया जा रहा है, देखिए मटेरियल यूजेस का स्टैंडर्ड, यानी स्पेसिफाई कीजिए कि स्टैंडर्ड यूजेस क्या है मटेरियल का जो कि यूज़ किया जाएगा पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। आप प्राइजेस को सेट कीजिए जो भी मटेरियल यूज़ कर रहे हैं पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, उसमें परचेजिंग, स्टोर कीपिंग, एफिशिएंसीज को ध्यान में रखिए। परचेजेस पे क्या डिस्काउंट दिया जा रहा है, बल्क परचेजिंग का क्या इकोनॉमी है, पास्ट ट्रेंड क्या रहा है। आप स्टैंडर्ड लेबर टाइम देखिए, यानी कितना लेबर टाइम लग रहा है पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, उसमें दोस्तों आप पर्टिकुलर ग्रेड ऑफ लेबर के परफॉर्मेंस को देखिए। स्टैंडर्ड जो हमारे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करती है उसे देखिए या इंडस्ट्री बॉडी को देखिए। दोस्तों लेबर रेट स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है कि कितना वेज रेट एस्टिमेट किया गया कि वो अलग अलग लेबर के ग्रेड को पे किया जाएगा जिसे आप जिसको यूज करेंगे एक पार्टिकुलर टाइप ऑफ ऑपरेशन को परफॉर्म करने में। दोस्तों यहाँ पे आप पास्ट और फ्यूचर ट्रेंड को कंसिडर करेंगे लेबर मार्केट का। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि कैसे दूसरे कॉस्ट के स्टैंडर्ड को सेट किया जाए। पहला ओवरहेड कॉस्ट, देखिए ओवरहेड कॉस्ट के स्टैंडर्ड को सेट यदि करना है तो आप स्टैंडर्ड ओवरहेड रेट से उसे कंपेयर कीजिए फॉर सर्विस डिपार्टमेंट विच इज अप्लाइड फॉर वेरियस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। दोस्तों नेक्स्ट कंपोनेंट है एडमिनिस्ट्रेटिव सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, यहाँ पे क्या होता है दोस्तों पास्ट डेटा और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड को यूज किया जाता है ताकि आप स्टैंडर्ड सेट करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट का। नेक्स्ट है हमारा सेल्स एंड प्रॉफिट बजट, दोस्तों सेल्स एंड प्रॉफिट बजट कैसे प्रिपेयर किया जाएगा, आप सेल्स प्राइस पे डिसाइड करेंगे प्रोडक्शन कॉस्ट कितना है, कॉम्पिटिटर प्राइसिंग कितना है, कंज्यूमर प्रेफरेंस क्या है, इन सभी बेसिस पे आप सेल्स और वॉल्यूम प्रोजेक्ट पे डिफाइन करेंगे। दोस्तों वेरियंस एनालिसिस को यूज़ किया जाता है ताकि आप एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर कर सके बजटेड परफॉर्मेंस से और फिर करेक्टिव एक्शन पर डिसीजन ले सके। दोस्तों वेरियंस एनालिसिस बताता है आपको कितना स्टैंडर्ड अभी तक अचीव हुआ है और आपको बेसिस प्रोवाइड करता है कॉस्ट कंट्रोल का। दोस्तों कॉस्ट वेरिएंस क्या होता है, देखिए इसके अंदर मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस होता है, वो डिपेंड करता है मटेरियल जो भी मटेरियल को कंज्यूम किया जा रहा है और जो भी मटेरियल का प्राइस है उसका क्वांटिटी क्या है, राइट, ये होता है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। लेबर कॉस्ट वेरिएंस क्या होता है कि लेबर का एक्चुअल कॉस्ट कितना है और एस्टिमेटेड स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना है इसके बीच का डिफरेंस। दोस्तों मटेरियल प्राइस क्या होता है, बेसिकली ये हमारा एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल जिसको यूज़ किया जा रहा है और एस्टिमेटेड कॉस्ट के बीच का डिफरेंस होता है। फिर दोस्तों बताया जा रहा है कि एस्टिमेटेड एक्चुअल कॉस्ट और मटेरियल यूज़ के बीच का डिफरेंस। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट बताया जा रहा है कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस बेसिकली एडजस्टेड एंड बजटेड कॉस्ट ऑफ मटेरियल के बीच का डिफरेंस होता है। लेबर कॉस्ट वेरिएंस आपके एक्चुअल एंड बजटेड कॉस्ट ऑफ लेबर का डिफरेंस होता है। ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस आपके एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड ओवरहेड कॉस्ट के बीच का डिफरेंस होता है। नाम से ही क्लियर है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस क्यों आएगा, प्राइस वेरिएंस के कारण आएगा, डिफरेंस इन एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ मटेरियल यूज के कारण आएगा, यूजेस वेरिएंस के कारण आएगा। लेबर कॉस्ट वेरिएंस क्यों आएगा, क्योंकि लेबर रेट वेरिएंस के कारण आएगा।
फिर दोस्तों लेबर टाइम इफिशियंसी वेरियंस के कारण आएगा। ओवरहेड कॉस्ट वेरियंस क्यों आएगा, जैसे मान लीजिए कि वेरिएबल ओवरहेड वेरियंस है, फिक्स्ड ओवरहेड वेरियंस है, इन सभी के कारण आएगा। अब बताएं कि मटेरियल कॉस्ट वेरियंस में क्वांटिटी ट्रीटमेंट क्या होता है, या तो मटेरियल कंट्रोल अकाउंट को डेबिट कीजिए या क्रेडिट कीजिए। लेबर कॉस्ट वेरियंस का क्वांटिटी ट्रीटमेंट क्या है, या वेजेस कंट्रोल अकाउंट को डेबिट कीजिए या क्रेडिट कीजिए। ओवरहेड कॉस्ट वेरियंस का क्वांटिटी ट्रीटमेंट क्या है, ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट को डेबिट कीजिए या क्रेडिट कीजिए। दोस्तों स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर आप कॉस्ट ऑपरेशन को एस्टिमेट करते हैं और फिर कंपेयर करते हैं एक्चुअल कॉस्ट को जो कि इनको इनकर किया गया, ताकि आप वेरियंस को पता कर सकें। वेरियंस तीन तरह के होते हैं, मटेरियल कॉस्ट वेरियंस, लेबर कॉस्ट वेरियंस, ओवरहेड कॉस्ट वेरियंस। इन सभी वेरियंस के कॉज इंटरनल हो सकते हैं या एक्सटर्नल हो सकते हैं, और ये जो वेरियंस है ये कंपनी के मैनेजमेंट कंट्रोल कर सकते हैं। और ये क्वांटिटी ट्रीटमेंट मैंने आपको समझा दिया। दोस्तों बात करें बेंचमार्किंग फॉर सेटिंग ऑफ स्टैंडर्ड, तो बेंचमार्किंग एक प्रोसेस होता है कि आप ऑर्गेनाइजेशन से बाहर देखते हैं ताकि आप आइडेंटिफाई कर सकें कि बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं और आप परफॉर्मेंस का स्टैंडर्ड सेट कर सकें। तो जब भी आप स्टैंडर्ड को सेट करें, इंपॉर्टेंट है कंसिडर करना कि बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, केवल इंटरनल प्रोसेस कंसिडर करना जरूरी नहीं है। दोस्तों प्रोडक्शन कॉस्ट स्टैंडर्ड को स्टडी किया जाएगा, कंपेयर किया जाएगा दूसरे के साथ, ताकि आप इनएफिशिएंसीज को आइडेंटिफाई कर सकें। रिपोर्ट को डिज़ाइन किया जाएगा ताकि आप प्रेफरेंस को सूट कर सकें। फिर दोस्तों बताया जा रहा है कि मार्जिनल कॉस्टिंग एक टेक्निक होता है जो कि अकाउंटेंट यूज करते हैं ताकि मैनेजमेंट डिसीजन को हेल्प मिल सके। यहाँ पे केवल वेरिएबल कॉस्ट को चार्ज किया जाता है ऑपरेशन और प्रोडक्ट में। दोस्तों यदि आप डिटेल में जानना चाहते हैं कि मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है, तो हमारे वीडियो लेक्चर का आप हेल्प ले सकते हैं। आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट इन द सिंपलेस्ट मैनर पॉसिबल यूजिंग एग्जांपल, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट एफिशिएंटली। सो इफ यू वांट टू गेट मोर डिटेल रिगार्डिंग दिस वीडियो, काइंडली व्हाट्सएप योर नंबर शोन ऑन द स्क्रीन। नाउ लेट्स डिस्कस। दोस्तों मार्जिनल कॉस्टिंग का फ्यूचर क्या है, केवल वेरिएबल कॉस्ट को चार्ज किया जाएगा ऑपरेशन और प्रोडक्ट में, फिक्स्ड कॉस्ट को कंसीडर नहीं किया जाता प्रॉफिट प्रोडक्ट कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए। मार्जिनल कंट्रीब्यूशन को यूज किया जाता है प्रॉफिटेबिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए। एडवांटेज क्या है, सेल्स प्राइस को डिसाइड करने में हेल्प करता है। डेटा को यूज करता है रेगुलर अकाउंटिंग रिकॉर्ड से, ये जरूरी है ताकि आप ब्रेक इवन पॉइंट को डिटरमाइन कर सकें। ये आसान होता है कि प्रोडक्ट को अप्रेज करें, टेरिटरी को अप्रोच करें और बिजनेस सेगमेंट को अप्रेज करें। इफेक्टिव टेक्निक होता है दोस्तों कॉस्ट कंट्रोल का हमारा मार्जिनल कॉस्टिंग। दोस्तों मार्जिनल कॉस्टिंग आपको हेल्प करता है कि इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट करें, क्लासिफाई करता है कॉस्ट को फिक्स और वेरिएबल के फॉर्म में। हमारा जो कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस है ये डिटरमाइन करता है कि एक्टिविटी का मिनिमम लेवल क्या होगा, फिर ये कैलकुलेट करता है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियोज को, मार्जिन ऑफ सेफ्टी को। ब्रेक इवन अपॉन सीपी एनालिसिस दोस्तों डिटरमाइन करता है कि एक्टिविटी का मिनिमम लेवल क्या होगा। ये आपको हेल्प करता है डिवाइस करने में इंसेंटिव स्कीम। दोस्तों ये कंपेयर करता है रिलेटिव प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट। ये असिस्ट करता है डिसीजन मेकिंग में आउटसोर्सिंग प्रोडक्ट के लिए। जो हमारा प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो होता है ये डिटरमाइन करता है हर एक प्रोडक्ट के प्रॉफिटेबिलिटी को। ये हेल्प करता है डिसाइडिंग करने में कि कौन सा प्रोडक्ट टू पुश रेशियो सेल्स और रिप्राइस, ठीक है, या तो आप रिप्राइस करें या सेल्स या पुल सेल्स में डालें। दोस्तों ये हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में, इन हाउस प्रोडक्ट या आउटसोर्स करना है कि इन हाउस प्रोडक्ट बनाना है। दोस्तों मार्जिन ऑफ सेफ्टी की बात करें, ये कुशन होता है जो कि बिजनेसेस को अवेलेबल होता है। राइट, दिस इज अ कुशन अवेलेबल टू द बिजनेस फॉर सस्टेनिंग ऑपरेशन। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर वेरिएबल और फिक्स्ड कॉस्टिंग आता है प्रोडक्ट कॉस्ट का। दोस्तों एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या डिफरेंस है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में वेरिएबल और फिक्स्ड कॉस्ट को कंसीडर किया जाएगा। इसको एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को यूज किया जाता है एक्सटर्नल फाइनेंसिंग इनकम टैक्स रिपोर्टिंग के लिए। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट को एलोकेट किया था प्रोडक्ट कॉस्ट में। जो टोटल कॉस्ट पर यूनिट होता है वो हायर होता है एज कम्पेयर टू मार्जिनल कॉस्टिंग एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में दोस्तों जो फिनिश्ड गुड्स का इन्वेंट्री का वैल्यूएशन होता है वो हायर होता है, क्योंकि आप एलोकेशन कर रहे हैं फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट का। दोस्तों एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट रिलेशन को यूज नहीं करता है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में कॉस्ट को फिक्स और वेरिएबल के भी क्लासिफाई नहीं करते हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग में दोस्तों केवल वेरिएबल कॉस्ट को इंक्लूड किया जाता है प्रोडक्ट के कॉस्ट में। मार्जिनल कॉस्टिंग यूजफुल होता है इंटरनल डिसीजन मेकिंग के लिए। मार्जिनल कॉस्टिंग में दोस्तों फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट को एलोकेट नहीं किया जाता प्रोडक्ट कॉस्ट में। मार्जिनल कॉस्टिंग में टोटल कॉस्ट पर यूनिट जो लोअर होता है एज कम्पेयर टू एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग में दोस्तों फिनिश्ड गुड्स का वैल्यूएशन इन्वेंट्री लोअर होता है एज कम्पेयर टू फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट। यूनिट 35 में दोस्तों फंक्शनल बजट की बात करें, ये दोस्तों बेस होता है कवरेज के स्कोप के बेसिस पे, जैसे सेल्स प्रोडक्शन ओवरहेड कैश प्रोडक्शन कॉस्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर। फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल बजट दोस्तों बेस होता है कि कैपेसिटी या एफिशिएंसी जिससे वो रिलेटेड है। बेसिक और करंट बजट बेस होता है जिस कंडीशन पे वो बेस्ड है। दोस्तों लॉन्ग पीरियड या शॉर्ट पीरियड बजट क्या होता है, दोस्तों जितना पीरियड वो कवर कर रहा है। फिर दोस्तों बात करें बजट और बजटरी कंट्रोल की, इसमें दोस्तों बजट एक फाइनेंशियल प्लान होता है एस्टिमेट करने का, कंट्रोल करने का फ्यूचर ऑपरेशन को, जबकि बजटिंग एक प्रोसेस होता है डिजाइन करने का, इंप्लीमेंट करने का और बजट को ऑपरेट करने का। बजट में फंक्शनल बजट आता है, इसमें सेल्स प्रोडक्शन कॉस्ट कैश एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर आता है। फिक्स्ड फ्लेक्सिबल बजट होते हैं, बेसिक करंट बजट होते हैं, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म बजट होते हैं। दोस्तों फंक्शनल बजट को प्रिपेयर किया जाता है हर एक इंटरलेटेड एक्टिविटीज़ के लिए इन द ऑर्गेनाइजेशन, और तब कंसोलिडेट किया जाता है मास्टर बजट के फॉर्म में। जो हमारी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म बजट
होते हैं उनको प्रिपेयर किया जाता है, कितने पीरियड के लिए वो कवर कर रहे हैं। बजटरी कवर के अंदर दोस्तों आप बजट को बनाना और उसे अप्रूव करना, एक्चुअल रिजल्ट को कंपेयर करना बजटरी फिगर से और फिर करेक्टिव एक्शन लेना। दोस्तों बजट जरूरी है फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए और ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोल के लिए, और बजटरी कंट्रोल दोस्तों डायनेमिज्म इन्फ्यूज करता है वर्किंग प्रोसेस में किसी ऑर्गेनाइजेशन के। बात करें एडवांटेजेस की, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाना, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करना बजट के माध्यम से, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना लिमिटेड रिसोर्स का, ये सभी दोस्तों एडवांटेजेस हैं। लिमिटेशन की बात करें तो दोस्तों एक्चुअल अचीवमेंट को कंपेयर करना बजटेड फिगर से, इस कारण से कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट आता है, खासकर तब यदि आपका बजटेड फिगर एस्टिमेट किया जा रहा है अनरियलिस्टिक प्रिजम्पशन पे। दोस्तों दूसरा लिमिटेशन क्या है कि बजटेड फिगर जो इरेलेवेंट हो जाएगा फास्ट चेंजिंग बिजनेस कंडीशन के कारण, फिर ये इंप्लीमेंटेशन है। दोस्तों लास्ट की मैं बात करें टाइप्स ऑफ बजटिंग की, तो एक कन्वेंशनल बजटिंग होता है यानी बजटिंग बेस्ड ऑन पास्ट डेटा, इसका करेक्टरिस्टिक आप प्रीवियस ईयर डेटा को यूज कर रहे हैं रेफरेंस पॉइंट के, इसका लिमिटेशन क्या है इट मे नॉट अकाउंट फॉर द चेंज और न्यू इनिशिएटिव। सो फ्रेंड्स ऑल दिस थिंग्स आर प्रिपेयर इन टेबलेट फॉर्मेट सो दैट यू कैन इजिली रिवाइज ऑल दिस थिंग इन द सिंपलेस्ट फॉर्म पॉसिबल। दूसरा तरह का बजटिंग होता है वो जीरो बेस बजटिंग होता है, यहाँ पे बजटिंग बिना किसी बेस के रेफरेंस का होता है, इसका कैरेक्टरिस्टिक दोस्तों प्रत्येक एक्सपेंडिचर में जस्टिफिकेशन चाहिए, लिमिटेशन क्या है कि टाइम कंज्यूमिंग है। प्रोग्राम बजटिंग में दोस्तों क्या होता है कि बजट प्रिपेयर किया जाता है स्पेसिफिक प्रोडक्टिविटी के लिए, प्रोग्राम के लिए, इसका कैरेक्टरिस्टिक है कि इसमें एस्टिमेट या टारगेट को यूज किया जाता है स्पेसिफिक फंक्शन के लिए। लिमिटेशन क्या है दोस्तों, यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू नहीं प्रोवाइड करेगा ऑर्गेनाइजेशन का। परफॉर्मेंस बजटिंग दोस्तों बजट होता है परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव के बेस्ड, कैरेक्टरिस्टिक क्या है दोस्तों ये फोकस करता है अचीविंग स्पेसिफिक गोल एंड आउटकम, और लिमिटेशन क्या है दोस्तों ये डिफिकल्ट है कि आप प्रोग्राम को सेग्रीगेट करें, एक्टिविटीज को सेग्रीगेट करें। सो दिस वाज आवर कंप्लीट मॉड्यूल डी क्विक रिवीजन सेशन। सो इफ यू लाइक द लेक्चर काइंडली हिट द लाइक बटन, इफ यू वांट टू अटेम्प्ट मोर एमसीक्यूज काइंडली ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। और यदि आपको इस तरह के पीडीएफ चाहिए क्विक रिवीजन सेशन के, यानी तो आपको एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना है जो हमारे एक क्वेश्चन बैंक है, तो हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। धन्यवाद।